Prime Minister Narendra Modi giving a candid interview to New York-based Newsweek magazine. In his interview, Prime Minister Modi discussed various subjects. ये इंटरव्यू एक बहुत ही अहम इंटरव्यू इसलिए है कि ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। मैं कहता हूं इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इसराइल कहता है वैसे कर लें, सर नीचे करके 20 साल अपने बच्चों को मैथ पढ़ा लें, इंग्लिश पढ़ा लें, अपनी कामयाबी के साथ ये रिवेंज ले लें। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कोलोनियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का, जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं। न्यूज़वीक आल्सो हेल्ड इंडिया एज अनस्टॉपेबल, हाइलाइटिंग इंडियाज रिमार्केबल ट्रेजेक्टरी अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप। इसलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। मैंने आपको बताया था ना कि ये धोखा देते हैं। इन्होंने, याद होगा आपको, जब सैलाब मुतासरीन के लिए फंडिंग करने गए थे तो ये 1 अरब से बढ़ते बढ़ते पता नहीं 12-15 अरब तक पहुंच गए थे। इतने अरब डॉलर हमें मिल गए, दुनिया ने दे दिए, तो बाद में रिपोर्ट आई थी कि 5% पैसे मिले, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता, ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने। इमरान खान के दौर में जो आटा था वो 1100 रुपए की थैली थी, 3000 तक पहुंची और वापस अगर 2500 पे ला गए, ये कहेंगे जी हमने 500 रुपए आटा सस्ता कर दिया, तो आपने नहीं मानना। तो बल्कि ये मौके से फायदा उठाइए कि ये देखिए अब उन्होंने ये कह दिया है, तो इस पर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान भी मास्टर स्ट्रोक खेले तो वो ये कर सकता है कि ठीक है हम ट्रेड के लिए तैयार हैं। आपने सिक्योरिटी और पीस की बात की, आई सर मैंने उम्मीद की बात हसन निसार साहब इसलिए की क्योंकि चंद माह पहले आपने ये कहा कि आप ये मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं या मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और सर मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिकन मैगजीन न्यूज़वीक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है। न्यूज़वीक ने कहा भारत की प्रगति को अब रोका नहीं जा सकता है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत होती राजनयिक, वैज्ञानिक तथा सैन्य ताकत इसे उभरती हुई महाशक्ति बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में आगामी लोकसभा चुनाव, पाकिस्तान के साथ संबंध, क्वाड, राम मंदिर और लोकतंत्र समेत तमाम मुद्दों पर बात करी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा भारत के लिए चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति का तत्काल समाधान निकालने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में पूछे जाने पर पीएम मोदी ने कहा उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को पदभार संभालने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा भारत ने हमेशा आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। चीन और क्वाड के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन कई समूहों के सदस्य हैं। उन्होंने कहा हम अलग अलग समूहों में मौजूद हैं। क्वाड का उद्देश्य किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ ये बात कर रहा है कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और अपना सर नीचे झुका भारत से ट्रेड की बात करना चाहिए। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जय हिंद। मोदी इज अनस्टॉपेबल, ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है न्यूज़वीक का। यूएस बेस्ड मैगजीन न्यूज़वीक ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। और न्यूज़वीक का टाइटल सिर्फ ये नहीं है कि मोदी इज अनस्टॉपेबल, बल्कि न्यूज़वीक का कंप्लीट टाइटल है नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। ये टाइटल है न्यूज़वीक के इस इंटरव्यू का, 90 मिनट्स का ये इंटरव्यू जो कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी रेजिडेंस पर, न्यूज़वीक के ना सिर्फ सीईओ वहां पर मौजूद थे बल्कि इसके साथ इंटरव्यू करने के लिए भी वहां पर उनके रिपोर्टर्स मौजूद थे। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। तो पाकिस्तान के उन्होंने कहा है कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, सबसे अहम मैसेज तो ये है कि उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, हम तो ऐसा चाहते नहीं है, हम तो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और साथ में ये कहना कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंट्री में याद रखिएगा स्टेबिलिटी होगी तो तभी रीजन में भी स्टेबिलिटी होगी। फिर उनका ये कहना, एक सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने कहा कि एटमॉस्फियर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस, हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए। ये पीस एंड सिक्योरिटी की बात हम उस वक्त कर रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होगी। पीस एंड सिक्योरिटी की बात को जो है वो वेलकम किया जाएगा या किया जाना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं। और हम तो बल्कि ये मौके से फायदा उठाइए
कि ये देखिए अब उन्होंने ये कह दिया है, तो इस पर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान भी मास्टर स्ट्रोक खेले तो वो ये कर सकता है कि ठीक है हम ट्रेड के लिए तैयार हैं, आपने सिक्योरिटी और पीस की बात की, आइए हाथ बढ़ाते हैं और हम ट्रेड तैयार हैं, तो आइए हमारे साथ ट्रेड कीजिए। अगला अहम पॉइंट कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ, वो है जनाब चाइना के ऊपर। मतलब ये कि आप ये समझिए कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत कम बात की है, लेकिन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर जो एस्केलेशंस हैं और जो टेंशन है उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई है। उस पर उन्होंने कहा है कि जो चाइना और इंडिया है उसकी जो हमारा बिलीफ ये है कि दोनों चाइना और इंडिया की सिक्योरिटी सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए ही अहम नहीं है बल्कि ये सिग्निफिकेंट है पूरी दुनिया के लिए। ये जो एबनॉर्मल रिलेशंस हैं ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसको कहा हाँ चाइना और इंडिया के बीच जो रिलेशंस हैं वो उनको फौरी तौर पर जो है अर्जेंटली उनको एड्रेस करने की जरूरत है। और फिर उनका ये कहना था स्टेबल एंड पीसफुल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर इम्पोर्टेंट फॉर नॉट जस्ट आवर टू कंट्रीज बट द एंटायर रीजन एंड वर्ल्ड। क्या आप इसके बगैर अगली सेंचुरी में जा सकेंगे? इस वक्त दुनिया में आप देख लें गाजा में जो हो रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल में हर इस्लामिक कंट्री गाजा ही बन चुका है उसकी वजह, आप गाजा से कम है क्या? देखें ना, आप ही के लोग आपको लूट रहे हैं, आप ही के लोग, और 76 साल से लूट रहे हैं, आज के नहीं लूट रहे हैं, 76 साल से लूट रहे हैं आपको, लेकिन आप बोल नहीं सकते, आप उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। 250 मिलियन लोगों को पता है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही लूट रहे हैं लोकल, मैं तो खैर इनको पाकिस्तानी नहीं कहूंगा क्योंकि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, लेकिन इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? आप भी तो गाजा ही बन चुके हैं, एक साइड पे पठान भाई मार रहे हैं, दूसरी साइड पे ईरानी भी तैयार है, तीसरी साइड पे उधर से भी नारा जंग है कि घुस के मारेंगे। तो जब भी वो आएंगे, ये अमेरिकन, बल्कि मैं आज आपको ये और मजे, अमेरिकन एक अखबार ने लिखा था कि ही इज डेंजरस फॉर पाकिस्तान, उसने 3.5 साल पाकिस्तान को जिनों के साथ चलाया, काले बकरे के साथ चलाया, मुझे उनका कसूर नहीं है, उनको जो उसको लेकर आए थे उनको भी पता है 2018 में उन्होंने जो किया। अगली बात, एक मैं और आखिरी बात आपको इस टॉपिक पे बताना चाहूंगा, शहरयार अफरीदी साहब ने पिछले दिनों एक नारा लगाया था, ये तेरे बाप की पार्टी नहीं है मेरी भी पार्टी है, क्योंकि पार्टी के अंदर इंतजार शुरू है, उस पर वकीलों ने कब्जा कर लिया। और तीसरा, मैंने ईद के हवाले से आपसे कहना था, देखें कितने अफसोस की बात है, मैंने कल देखा बीबीसी के ऊपर लिखा था जी, किसी ने आर्टिकल लिखा है कि फलस्तीन को सपोर्ट करें, आप अपने हाथों पर मेहंदी से फलस्तीन लिखें, इस तरह फलस्तीन बचेगा। ये आपने तालीम से इनकार है आपका, आपका तालीम से आप भाग रहे हैं, नोबेल प्राइज मैंने आपको बताया 2 बिलियन के पास सिर्फ 15 है, 2 साइंटिस्ट हैं उसमें से सिर्फ 2 साइंस के रिलेटेड, आप अपने हाथों पे फलस्तीन लिखने से आपका क्या हाल है, फलस्तीन बच पाएगा? सॉल्यूशन है, मैं कहता हूं इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इसराइल कहता है वैसे कर लें, सर नीचे करके 20 साल अपने बच्चों को मैथ पढ़ा लें, इंग्लिश पढ़ा लें, अपनी कामयाबी के साथ ये रिवेंज ले लें। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कोलोनियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है, मैं तो नहीं उनको हीरो मानता, ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी।